हैं एक बारी। इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। इंटेलिजेंस क्या होता है? एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम वंस एक्सपीरियंसेस, एक्वायर नॉलेज एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना, नॉलेज एक्वायर करना और अपने हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिवली यूज करना, बिना वेस्टेज किए। इसकी जो थ्योरीज थी उसमें हमने स्पीयरमैन की जी फैक्टर थ्योरी में पढ़ा था कि उन्होंने दो इंटेलिजेंस बताई थी। एक होती है जनरल जो सबके पास कॉमनली होती है, और एक होती है स्पेसिफिक जो ये वो वाली इंटेलिजेंस होती है जिस चीज़ में हम सबसे अच्छे होते हैं। जैसे कोई म्यूजिक में अच्छा है तो उसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, और कोई अगर डांस वगैरह में अच्छा है तो उसकी मोटर इंटेलिजेंस है। तो इस तरीके से इन्होंने सिर्फ दो ही कैटेगरीज बताई थी। गार्डनर ने बहुत सारी कैटेगरीज बताई थी जिसका हमने टेबल देखा था, उसमें 9 डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी इन्होंने। और ये बोलते थे कि बहुत सारी अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है, सिर्फ दो नहीं होती हैं। स्टर्नबर्ग की ट्रायार्किक थ्योरी में उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एनालिटिकल, जब लोग एनालाइज करते हैं, लॉजिकली कोई चीज़ देखते हैं, जो इस चीज़ में अच्छे होते हैं वो अकेडमिक्स में अच्छे होते हैं। एक होता है क्रिएटिव, कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी को काफ़ी अच्छा यूज़ कर लेते हैं। एक होते हैं प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल से स्किल्स को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, जैसे कि आज के टाइम में हमें किसी भी जॉब में इस तरह के स्किल्स चाहिए होते हैं। फिर हमने टेस्ट की बात की थी, इंटेलिजेंट जो टेस्ट है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। सो मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस की सबसे पहले एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने टेस्ट बनाए थे, जो उन्होंने बच्चों के लिए बनाए थे, जिसमें वो फास्ट लर्निंग और स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स को के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे, इसलिए बनाए थे। और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट बना था, और वहाँ पे लुईस जर्मन ने उस पर काम किया था टेस्ट के ऊपर, और उन्होंने बिने के टेस्ट को रिवाइज किया था। उसके बाद एक ये फॉर्मूला बनाया था आईक्यू को कैलकुलेट करने का, जिसका फॉर्मूला था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलिकल एज इंटू 100। और अब जो बैचलर का टेस्ट है उसमें तो कई सारे एज ग्रुप्स के लिए आईक्यू टेस्ट के लिए उन्होंने टेस्ट बना दिया। इस टेस्ट में वैरायटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही चीज़ें यूज़ करी थी, सिर्फ वर्बल नहीं थी, नॉन वर्बल चीज़ें भी थी टेस्ट के अंदर। और जो बैचलर के टेस्ट थे उसमें भी वर्बल क्वेश्चंस थे, परफॉर्मेंस क्वेश्चंस थे, और काफ़ी सारी चीज़ों का उन्होंने यूज़ किया था अपने टेस्ट में। उसके बाद टेस्ट का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी करनी। एक तो जो अच्छा टेस्ट होता है उसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है। वैलिडिटी यानी कि कोई टेस्ट जिस चीज़ के लिए बना है वो उसी को मेजर कर रहा है, और रिलायबिलिटी मतलब कि जो टेस्ट है जो एक ही बंदे के ऊपर अगर बार बार करते हो तो स्कोर सेम आने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर दूसरी बार स्कोर अलग आ रहा है, तीसरी बार स्कोर अलग आ रहा है, तो आप कैसे रिलायबल कहोगे कि वो टेस्ट रिलायबल है? उसकी हर बार ही उसकी इंटेलिजेंस बदल थोड़ी जाएगी। और वैलिडिटी मतलब वो एक्चुअली में वो टेस्ट इंटेलिजेंस के लिए ही बना है और किसी चीज़ के लिए नहीं बना है। और स्टैंडर्डाइजेशन करी जाती है पहले टेस्ट की, स्कोरिंग करी जाती है और नॉर्म्स बनाए जाते हैं जिसके अगेंस्ट दूसरों के स्कोर्स हम कंपेयर करते हैं। इंटेलिजेंस का एक नॉर्मल कर्व माना जाता है कि इंटेलिजेंस का जो है एक नॉर्मल कर्व आता है, और जनरली ऐसा ही आता है इंटेलिजेंस में। चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अलग अलग लोगों के लिए इंटेलिजेंस अलग अलग चीज़ होती है, और उनके कल्चर की वजह से ये नहीं कह सकते कि वो अगर किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल होते हैं जो कि उनके कल्चर का नहीं है तो मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो सारे इंटेलिजेंस टेस्ट जो हैं अभी तक तो कल्चर ही फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, क्योंकि वो जिस जगह जो जहाँ पे रहते हैं लोग, वहाँ के लोग जब बनाते हैं टेस्ट तो वो अपने कल्चर के व्यू पॉइंट से बनाते हैं, तो वो दूसरे कल्चर के लोगों पे अप्लाई नहीं होता। तो ऐसे टेस्ट को हम कल्चरली बायस टेस्ट कहते हैं। टेस्ट कैसे होने चाहिए? जो कल्चरली फेयर होने चाहिए, कि जो हर कल्चर के लोग उसमें अगर वो करें, परफॉर्म करें, तो उनका स्कोर जो है वो उस हिसाब से आए और इक्वली फेयर आए। और इस तरह के टेस्ट कैसे होते हैं जो कल्चरली फेयर होते हैं? जैसे उसमें जिसमें सिर्फ पिक्चर्स यूज़ करी गई हों या सिर्फ उसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया गया हो, क्योंकि उसमें ना तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है ना कल्चर से रिलेटेड किसी एक्सपोजर की। तो ये थ्योरी अब तक हमने पढ़ी थी। इसी से रिलेटेड एक क्विज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन अ ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट वुड मोस्ट लाइकली मेजर। अब स्पीयरमैन का जो था जी फैक्टर एस फैक्टर,
तो ये क्या बोलते थे कि जो ट्रेडिशनल अगर आईक्यू टेस्ट है तो वो ज्यादातर क्या मेजर करने के लिए बनाया जाता है, जनरल इंटेलिजेंस की, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो स्पीयरमैन दो ही इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, और इनके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनली कोई आईक्यू टेस्ट अगर बना है तो वो जनरल इंटेलिजेंस को चेक करता है, ना कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को। सेकेंड क्वेश्चन है, इन गार्डनर्स व्यू एस्ट्रोनॉट्स, नेविगेटर्स एंड आर्टिस्ट वुड बी हाई इन डैश इंटेलिजेंस। तो गार्डनर ने बहुत सारी इंटेलिजेंस की बात की थी जिसमें से चार यहाँ लिखी है। तो उनके अकॉर्डिंग जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, नेविगेटर्स होते हैं और जो आर्टिस्ट होते हैं, उनकी कौन सी इंटेलिजेंस अच्छी होती है? एस्ट्रोनॉट्स हो गए, स्पेस से रिलेटेड हो गया, नेविगेटर भी स्पेस से रिलेटेड हो गया, आर्टिस्ट मतलब कि विजुअल चीजें, तो विजुअल और स्पेशियल। स्टर्नबर्ग हैज फाउंड दैट डैश इंटेलिजेंस इज अ गुड प्रिडिक्टर ऑफ सक्सेस इन लाइफ बट हैज लो रिलेशनशिप टू इंटेलिजेंस। तो स्टर्नबर्ग की जो इंटेलिजेंस है, जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है ट्रायार्किक वाली, उसमें से वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जो लाइफ की सक्सेस को प्रिडिक्ट कर सकती है, लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल होगे उसको प्रिडिक्ट कर सकती है, पर उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो हमें आगे फर्दर जॉब में बहुत जरूरी होती है, लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत जरूरी होती है, जो चाहिए होती है, और इसका अकेडमिकली कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि जो अकेडमिक्स में अच्छे होते हैं वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में उनकी परफॉर्मेंस कम होती है, और जो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस अच्छा करके दिखा सकते हैं वो अकेडमिकली थोड़े से वीक होते हैं। तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग स्टैनफोर्ड बिने फॉर्मूला, आईक्यू फॉर्मूला, व्हाट आईक्यू वुड अ पर्सन वुड हैव हुज मेंटल एज इज 10 एंड हुज क्रोनोलॉजिकल एज इज 15। तो ये तो आपको सिंपली कैलकुलेट करना है फॉर्मूला लगा के, 10/15 मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो आप इसको डिवाइड करो तो आपका क्या आंसर आएगा, तो मैं इसको एक बार ही डिवाइड करके देख लेती हूँ। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेंटल एज ऊपर आएगी, 10/15 इंटू 100। तो 100 लगाना जरूरी है क्योंकि हमें डेसिमल में नहीं चाहिए। तो इसका आंसर आएगा डी, 67। ओके, नेक्स्ट है, लिया इज 10 ईयर्स ओल्ड, द इंटेलिजेंस टेस्ट दैट वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू डिटरमिन हर आईक्यू इज डैश। सो 10 ईयर्स की है, तो हमने जो बैचलर्स के टेस्ट ऊपर देखे थे कि अलग अलग एजेस के लिए बने हैं, तो 10 ईयर्स के लिए कौन सा वाला टेस्ट हमें चाहिए लिया की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए एज पर हिज हर एज, क्योंकि वो 10 ईयर्स की है। तो इसमें आएगा WISC4। सी मतलब बच्चों के लिए है, ये ध्यान रखना अगर आपको याद ना हो तो, ए एडल्ट्स के लिए होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोफेसर बेकेट डिजाइंड एन आईक्यू टेस्ट टू स्टैंडर्डाइज हिज टेस्ट, द प्रोफेसर शुड बी केयरफुल टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी प्रोफेसर ने कोई आईक्यू टेस्ट बनाया है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? यूजिंग ओनली अ स्मॉल सैम्पल टू प्रिवेंट पॉसिबल चीटिंग, सेलेक्ट द पीपल इन द सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ द पीपल फॉर हुम द टेस्ट इज डिजाइंड, सेलेक्ट ओनली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टू टेक द टेस्ट, ईच मेंबर ऑफ द सैम्पल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो ये रॉन्ग है क्योंकि स्मॉल सैम्पल पे नहीं करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमें लार्ज सैम्पल पे करना होता है जो पॉपुलेशन से हम लेते हैं। तो ये वाला आंसर पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये रैंडम सैम्पलिंग नहीं है, यहाँ पे आप खुद सेलेक्ट कर रहे हो, जबकि रैंडमली सेलेक्ट करना होता है, कोई भी आ सकता है आपके सैंपल में। यहाँ तो वो चूज करने के लिए बोल रहा है कि खाली प्रोफेसर्स के ऊपर टेस्ट करो, और डिफरेंट कंडीशंस में तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन करनी है तो सबका टेस्ट एक सिमिलर कंडीशंस में होना चाहिए। लास्ट है, डैश वुड बी द प्रॉब्लम इन अ टेस्ट दैट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट स्कोर फॉर सम पीपल ईच टाइम इट इज एडमिनिस्टर्ड बट यील्ड्स डिफरेंट स्कोर फॉर अदर पीपल। तो कुछ लोगों के लिए स्कोर सेम आ रहा है लेकिन दूसरे लोगों के लिए स्कोर अलग आ रहा है,
तो इस टेस्ट में प्रॉब्लम क्या है? इस टेस्ट में रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम है। स्कोर जो है कंसिस्टेंट आ रहे हैं, कुछ लोगों पे करो लेकिन दूसरे लोगों पे करो तो स्कोर्स डिफरेंट आते हैं हर बारी। जबकि रिलायबिलिटी क्या बोलती है कि अगर सेम लोगों पे करो तो हर बारी सेम ही आना चाहिए, तो ये रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस हमारा टॉपिक शुरू होगा यहाँ से। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि सबकी इंटेलिजेंस एक जैसी नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और बहुत कम भी हो सकते हैं। तो जो कम इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आईक्यू स्कोर कम होता है, 70 से बिलो होता है, उनको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल बोलते हैं। पहले मेंटली रिटार्डेड बोलते थे, पर ये वर्ड थोड़ा सा हार्श माना जाता है, अब इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल। और इनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो बिलो 70 होती है, ओके। एंड देन उसके अलावा एक कंडीशन और होनी चाहिए, इनका अडैप्टिव बिहेवियर बड़ा पुअर होता है। अडैप्टिव बिहेवियर मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर पाना, इंडिपेंडेंटली अपने वर्क कर पाना, जॉब में दूसरों से कम्युनिकेट कर पाना, अपने आप को तैयार कर पाना, खा पाना, नहा पाना, ये सारी चीज़ें भी नहीं कर पाते। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो इनका आईक्यू आता है ये 20 से 70, मतलब 20 तो खैर बहुत ही कम हो जाएगा, आप ये मान के चलो 70 से बिलो जितने भी हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो -2 वाली, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो कर्व में हमने देखी थी, -2 माइनस की साइड। तो इनके अंदर एक तो आईक्यू जो होता है इनका स्कोर कम आता है, और सिर्फ आईक्यू के कम होने से हम नहीं कह सकते इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, उनकी अडैप्टिव बिहेवियर में भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें 18 साल से पहले ही नजर आना शुरू हो जानी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है कि 18 साल से पहले ही ये सब चीज़ें नजर आ जानी चाहिए सिम्टम्स। ऐसे कितने लोग होते हैं, तो हमने उस कर्व में देखा था जैसे कि ज़्यादातर लोग एवरेज में आते हैं और बहुत कम स्कोर वाले लोग कम होते हैं, तो ये 3% पॉपुलेशन में ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ये 3% पॉपुलेशन। और ये किसने बताया है? अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने, कि ये जो मेंटली डिसेबल जो कैटेगरी है इसके अंदर टोटल पॉपुलेशन में से 3% से कम लोग आते हैं। और इसी को हम एक तरीके से डेवलपमेंटली डिलेड भी बोल सकते हैं, कि उनकी डेवलपमेंट होने में डिले हो जाता है क्योंकि वो अपनी एज से काफ़ी कम एज के बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं, वो उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती है, इसलिए डेवलपमेंटली डिलेड भी बोल सकते हैं। डायग्नोस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन आईक्यू स्कोर बट ऑल्सो ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द पर्सन इन अडैप्टिव फंक्शनिंग। तो वही कह रहे हैं ये कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ आईक्यू स्कोर कमाने से कोई मेंटली इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाए, उसकी अडैप्टिव फंक्शनिंग जो बिहेवियर है वो भी पुअर होना चाहिए, और ज़्यादातर 18 ईयर्स से पहले। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड टू एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम कौन सी हुई? जैसे मैंने आपको बोला 20 अगर किसी का स्कोर आ रहा है, 30 आ रहा है, वो एक्सट्रीम हो गया। 70 से शुरू हो रहा है, माइल्ड से एक्सट्रीम तक जा रहा है, बहुत कम स्कोर आ रहा है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? बहुत डिफरेंट टाइप के कॉजेज हैं, जैसे पॉइजनिंग हो जाना, लेड पॉइजनिंग, कोई पेंट के चिप्स खाने से जैसे लेड की पॉइजनिंग हो जाना, या बर्थ से पहले मर्कुरी को एक्सपोज हो जाना, कोई टॉक्सिकेंट्स को एक्सपोज हो जाना, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, और ज़्यादातर ये बचपन में हुए जो भी होते हैं एक्सीडेंट्स, उस वजह से बताया हुआ है, बड़े होके नहीं होता है, बचपन में, क्योंकि जब ब्रेन डेवलप हो रहा है उस टाइम पे कोई हार्म हो जाए अगर तो। और सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज यहाँ पे 3 टाइप के सिंड्रोम दिए हुए हैं, जो एक सिंड्रोम तो ये बोला है कि हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डाउन सिंड्रोम जिसका नाम है, जो हम चैप्टर 8 में, इसके बाद वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। एक है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, दूसरा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है,
फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है कि इनके जीन में अ मेल हैज डिफेक्ट इन अ जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम, तो जो जीन होता है एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें डिफेक्ट होता है। ये एक ऊपर टेबल दिया हुआ है इसमें, जहां जिसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से कैटेगरीज हैं जो लोग डिसेबल हैं उनकी। मैं अब टेबल दिखा देती हूँ, एक मिनट आपको। तो ये टेबल है, रेंज दिया हुआ है इन्होंने स्कोर का। तो जैसे माइल्ड रिटार्डेशन या माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कब होगी, जब स्कोर 55 से 70 के बीच में आ रहा है। इसमें कितना परसेंटेज लिखा हुआ है, 90%। मॉडरेट जो है उसमें कैन रीच 40 to 55 है। अच्छा, यहाँ पे अडेप्टिव लिमिटेशंस दी हुई है कि कितना कर सकते हैं। कैन रीच सिक्स्थ ग्रेड स्किल लेवल, सिक्स्थ क्लास तक के जो स्किल लेवल होते हैं उतना कर सकते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। ये सेकेंड ग्रेड, यहाँ पे सीवियर डिसेबिलिटी वाले कौन है, जिनका 25 to 40 आता है, जैसे कि 3% लोग हैं। कैन लर्न टू टॉक एंड परफॉर्म बेसिक सेल्फ केयर, और बिलो 25 आ रहा है तो प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बहुत लिमिटेड ये काम कर सकते हैं, और 1% लोग इसमें आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोली हुई है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो पर्सन की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को हैम्पर करती है, अडेप्टिव बिहेवियर को हैम्पर करती है। पर इस तरह के इंडिविजुअल जो हैं वो लव और अफेक्शन को समझते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, लव और अफेक्शन को। तो उनको बाकी लोगों की तरह ही आप अपना अफेक्शन, अपनी केयर, अपना लव, ये सब चीजें कर सकते हो, वो इन चीजों को समझते हैं। सिर्फ उनको इंटेलेक्चुअल और अडेप्टिव प्रॉब्लम में बिहेवियर होती है, लव अफेक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। अब चलते हैं आगे गिफ्टेडनेस पे। गिफ्टेडनेस मीन्स जिनका स्कोर बहुत हाई आ जाता है, जैसे 130 के अराउंड, अबाउट 2% पॉपुलेशन इसके अंदर आती है वर्ल्ड की, तो इनको गिफ्टेड बोला गया है। इसमें भी ऐसे दो कैटेगरीज हैं, जैसे अगर 130 है तो गिफ्टेड हो गया, IQ 140 उससे ऊपर आ रहा है, 145 तक, तो फिर उनको जीनियस कहेंगे। तो लेस देन हाफ ऑफ 1% पॉपुलेशन। तो इस तरीके से जिनका स्कोर बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनरली ऐसा कहा जाता है जो बहुत जीनियस होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, वो थोड़े से पागल हो जाते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनका ब्रेन बहुत फास्ट चलता है, वो जल्दी मर भी जाते हैं, जल्दी इलनेस हो जाती है उनको, उनको मेंटल इलनेस, फिजिकली ऐसा मतलब माना जाता है, सोशली ऑकवर्ड होते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, मेंटल इलनेस बहुत जल्दी हो जाती है उनको। तो क्योंकि हमने डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन इस तरह की मूवीज में देखा है, डॉक्टर जिकाइल की, वो लोग ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सोशली अनडिजायरेबल क्वालिटीज के साथ दिखाते हैं, जो बहुत जीनियस होते हैं। तो इसी बिलीफ को लेके लुइस टर्मन ने क्या किया था, एक स्टडी करी थी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल मतलब किसी के सालों तक सेम सैंपल की स्टडी करना। से कुछ बच्चे इन्होंने लिए थे, 1528 बच्चे थे जिनको ये स्कूल टाइम से लेके इनके बड़े होने तक, जॉब लगने तक इनको इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इनके ऊपर स्टडी करी थी। और ये वैसे बच्चे थे जो जीनियस की कैटेगरी में, गिफ्टेड की कैटेगरी में आते थे। और ये इन्होंने क्यों की थी, क्योंकि ये प्रूफ करना चाहते थे कि जरूरी नहीं है जो जीनियस होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, वो आगे जाके पागल हो जाते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उस चीज को इन्होंने डिसअप्रूव करने के लिए ये स्टडी ली थी, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। जो 1528 स्टूडेंट्स थे, इसमें 857 बॉयज थे, 671 गर्ल्स थी। इनका IQ 130 से 200 तक था, मतलब कुछ इसमें गिफ्टेड थे, कुछ तो जीनियस ही थे बिल्कुल ही। और इनके सोशली वेल एडजस्टेड थे बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं था कि ये दूसरों के साथ एडजस्टेड नहीं थे, इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, बहुत ही सोशली वेल एडजस्टेड थे और स्किल्ड लीडर थे। ये अपने फिजिकल हाइट वेट में भी बहुत अच्छे थे, अट्रैक्टिवनेस में भी बहुत अच्छे थे, और अपने स्कूल लेवल पे भी ये बहुत अच्छे थे, जीनियस तो थे ही, और प्रैक्टिकली भी अपने काम में ये बहुत अच्छे थे। बच्चे बचपन से इनको स्टडी कर रहे थे, और उल्टा इन्होंने ये चीज नोट करी कि ये मेंटल इलनेस को ज्यादा रेजिस्ट कर पा रहे थे
उन लोगों से जो एवरेज इंटेलिजेंट थे, जो एवरेज इंटेलिजेंट बच्चे थे उनसे ज्यादा अच्छा ये रजिस्ट कर पा रहे थे मेंटल इलनेस को। तो जैसे कि कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं वो मेंटल इलनेस हो जाती है उनको, आगे जाके ब्रेन उनका ओवरवर्क करने लग जाता है। तो इनकी स्टडी में ये चीज उन्होंने शो करी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। इन बच्चों को नाम दिया जाता है टर्माइट्स, क्योंकि ये टर्मेन के स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने काफी लंबे टाइम तक अपनी लाइफ में इनके ऊपर स्टडी करी है। ये बच्चे बड़े भी हो गए तब तक ये स्टडी करते थे जब तक टर्मेन जिंदा थे। आगे जाके उनके स्टूडेंट्स ने, टर्मेन के फॉलोअर्स ने, स्टूडेंट्स ने इन बच्चों के ऊपर अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, तो टर्माइट्स बोला जाता है इन लोगों को। और ये भी देखा था कि ये बड़े होके भी सक्सेसफुल थे सारे के सारे, एकेडमिक डिग्रीज तो थी इनके पास, उसके बाद इनकी जॉब्स भी बहुत अच्छी लग गई थी। उस टाइम पे वुमेन इतना ज्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं थी, वुमेन होम मेकर्स ही होती थी, और जो मेन थे वो बहुत अच्छी जॉब्स में लग गए थे। तो उन्होंने पूरी लाइफ टाइम इनके ऊपर रिसर्च करके ये प्रूफ कर दी कि जो बोला जाता है कि जीनियस इसको मेंटल इलनेस हो जाती है या वो जल्दी वीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बचपन से एंड तक ही बहुत सक्सेसफुली अपना पूरी लाइफ बिताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है कि जैसे आज के टाइम पे, जैसे उसके बाद क्या हुआ, जब लुईस टर्मेन की डेथ हो गई थी उसके बाद क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे, लुईस टर्मेन के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने इन लोगों के ऊपर कंटिन्यू रखी स्टडीज। और कहते हैं 2000 तक खाली 200 ही टर्माइट्स तब जिंदा थे, मतलब उन बच्चों में से 200 ही लोग जिंदा थे, बाकी सब वो बच्चे भी तो बड़े हो गए, बुढ़े हो गए थे, फिर वो मर गए थे। तो ये कंटिन्यू चलती रही थी उसके बाद भी स्टडी। तो काफी अच्छी स्टडी थी जो इस इन लोगों के ऊपर करी थी इन्होंने। हाँ, थोड़ा सा इस स्टडी में फ्लॉ था, फ्लॉ ये था जो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगी कि फ्लॉ मतलब इस स्टडी में क्या प्रॉब्लम थी। इस स्टडी में ये प्रॉब्लम थी कि एक तो ये रैंडमली चोजन बच्चे नहीं थे। रैंडमली मतलब सडन, एक आपने रैंडम, जैसे कोई भी स्टडी करनी होती है हम रैंडमली उठाते हैं सैंपल, ये तो इन्होंने स्कूल से उन बच्चों को लिया था जो बहुत जीनियस थे, तो इनको स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर ने रिकमेंड किया था, तो ऑब्वियसली उन्होंने वही बच्चे रिकमेंड किए जो उनको लगा बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे भी हों जो ट्रबल मेकर्स हों, ट्रबल मेकर मतलब बहुत शैतानियां करते हों, उनका नाम ही नहीं रिकमेंड हुआ, क्या पता उनके ऊपर स्टडी होती तो कुछ अलग ही पता चलता। तो ये तो एक रैंडम सिलेक्शन नहीं थी इनकी स्टडी में, तो पहला तो फ्लॉ यही आ जाता है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, रैंडम सिलेक्शन होनी चाहिए। दूसरा ये था कि कभी भी रिसर्चर को सैंपल की पर्सनल लाइफ में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। सैंपल को सिर्फ स्टडी करने के लिए लिया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते आप। तो टर्मेन ने लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर, मतलब उनको बहुत ज़्यादा केयर करते थे, उनकी रिकमेंडेशन देते थे बहुत जगह पे, उनकी हेल्प करते थे ताकि उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए किसी चीज़ में। तो इस तरीके से इस स्टडी को फ्लॉड माना गया है, लेकिन फिर भी बहुत ही एक कहते हैं ना एक जो होता है मास्टरपीस टाइप की स्टडी है जिसको बहुत फॉलो भी करते हैं लोग भी। तो उसके बाद अ बुक बाय जॉन फ्रीमैन कॉल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन ग्रोन अप, एक इनकी भी बुक थी जॉन फ्रीमैन की गिफ्टेड चिल्ड्रन ग्रोन अप करके, इसमें इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी थी 210 गिफ्टेड एंड नॉन गिफ्टेड बच्चों पे ग्रेट ब्रिटेन में। और इनकी स्टडी की फाइंडिंग्स क्या थी, दैट गिफ्टेड चिल्ड्रन हु आर पुश टू अचीव एट यंगर एंड यंगर एजेस सिटिंग फॉर एग्जाम्स लॉन्ग बिफोर देयर पीयर्स वुड डू सो ऑफन ग्रो अप टू बी डिसअपॉइंटेड समहाउ अनहैप्पी एडल्ट्स। तो इनकी स्टडी ये कहती है कि जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको अगर ज़बरदस्ती पुश किया जाए अच्छा करने के लिए एग्जाम्स में और अच्छा करने के लिए, और उनको एक तरीके से बड़े बड़े एग्जाम्स देने के लिए बिठा दिया जाए, जैसे कई बार स्कूल में जंप करा देते हैं, जो सिक्स्थ में बहुत इंटेलिजेंट होता है उसको एट्थ में भेज देते हैं, फिर वहाँ वो क्लियर कर लेता है तो उसको टेंथ में भेज देते हैं। तो इस तरीके से जब गिफ्टेड स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है ना अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो वो अंदर से बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और बहुत अनहैप्पी एडल्ट्स होते हैं वो, उनको उस चीज़ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उनको इस तरीके से पुश किया जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इनकी बुक में ये वाली स्टडी थी जो सामने आई थी।
और वीडियो खत्म करने से पहले ये लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? जो लोग दूसरों के साथ एम्पथाइज कर पाते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर पाते हैं, उनकी इमोशंस को शेयर कर पाते हैं, उनको इमोशनली इंटेलिजेंट बोला जाता है। देर आर सम पीपल लाइक दैट हु नेवर सीम टू गेट अहेड इन लाइफ इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दैट सो कॉल्ड इंटेलिजेंस। अब कितने भी जीनियस हो जाओ, कई बार आपने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जीनियस हैं लेकिन वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं कर पाते। उसमें एक चीज होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चाहिए होती है, इंपॉर्टेंट होती है। सो ये होता है क्या इमोशनल इंटेलिजेंस? एबिलिटी टू मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज द एबिलिटी टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। एक तो अपनी इमोशंस को मैनेज कर पाना और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर पाना टू फील व्हाट अदर्स फील एंड टू बी सोशली स्किल्ड। तो दूसरे लोग क्या फील कर रहे हैं और सोशली किस तरीके से बिहेव करना है। तो अगर एक्चुअली में लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ जीनियस या गिफ्टेड वाली इंटेलिजेंस से नहीं काम चलता, आपके अंदर एक मोटिवेशन, इमोशंस और सोशली कैसे बिहेव करना है वो स्किल्स भी होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? सेलोवे ने किया था, लेकिन बाद में गोलमैन ने इसके ऊपर काम किया था और उन्होंने बोला था कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ मोर पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन सक्सेस इन लाइफ देन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। तो गोलमैन भी यही बोलते हैं कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसका एग्जांपल कैसे, सपोज आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, तो कल को आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है या आपको किसी ने कुछ बोल दिया आपके बॉस ने, तो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप उस टाइम पे उस गुस्से को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करोगे और कुछ अच्छा करके दिखाओगे। और वहीं अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो तो हो सकता है आप वहाँ पे सर्वाइव ना कर पाओ। तो इस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल करना इमोशंस का, जैसे एंगर को, इम्पल्सिवनेस को, एंग्जाइटी को। तो डेली लाइफ में जो लोग इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, अच्छी इंटेलिजेंस होती है, और वो ही ज़्यादा देर तक परसिस्ट कर पाते हैं किसी भी काम में और अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। सो यहाँ पे किसी स्टडी की बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा रिसर्च हुआ है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखा है, इन वन स्टडी रिसर्चर्स आस्क्ड 321 पार्टिसिपेंट्स टू रीड पैसेजेस रिटन बाय नॉन पार्टिसिपेंट्स। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, 321 लोग थे, उनको बोला है कि कुछ पैसेजेस लिखे हुए हैं उनको पढ़ के बताओ, और वो पैसेजेस जिसने लिखे हैं उस टाइम पे उनके मन में क्या चल रहा है वो आपने बताना है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। सपोज आप पार्टिसिपेंट हो वहाँ पे और आपको कुछ लिखा हुआ दिया है, एक पेज पे कुछ लिखा हुआ है और आपको दिया है और आपको बोला है कि ये पढ़ के बताओ जिसने ये लिखा है वो लिखते टाइम कैसा फील कर रहा था। ओके, सो अब क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग माने गए थे जिनको बुलाया था पार्टिसिपेंट्स को, तो उसमें से ज्यादातर लोगों ने करेक्टली जज कर दिया था कि जो राइटर था वो इमोशनली उस टाइम क्या फील कर रहा था लिखते टाइम पे। तो एम्पथी मेजर बहुत हाई आया था उनका स्कोर, एम्पथी मतलब सेम फील करना सामने वाले जैसा, और डिफेंसिव मेजर कम आया था, डिफेंसिव मतलब बहुत डिफेंसिव रहना, ओपन ना होना किसी के सामने। और यही लोग थे जिनका सैट का स्कोर भी अच्छा आया था, जो मैंने पहले भी बात की थी कि आजकल ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपको कहीं एडमिशन लेना हो तो आपको क्लियर करने पड़ते हैं, तो वो ही लोग थे जिन्होंने इन स्कोर्स में भी बहुत अच्छा किया था, जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट हाई स्कोर लेके आए थे इस एक्सपेरिमेंट में भी। तो इस स्टडी से इन्होंने प्रूव किया था कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो एक्चुअली में भी ऐसे टेस्ट में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेचर और नर्चर कंट्रोवर्सी, जो पहले भी बहुत बार हो चुकी है, तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।